हेलो दोस्तों, की हाल चाल है दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे हम इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर की अगली वैकेंसी के बारे में और फरवरी 2021 के बैच की वैकेंसी हैं दोस्तों। इंडियन नेवी में दोस्तों इस बार डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, यानी कि एज लिमिट क्या होगी इस बार, आज सभी ज़रूरी बातें बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जिन्होंने एक दो बार एग्ज़ाम दे दिया है एंड जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे उन सभी भाइयों के लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल वाली घंटी दबा देना, वीडियो लाइक न करा लाइक कर दीजिए आप सभी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम बिना किसी देरी के। मेरा नाम राम है, आप देख रहे हैं जी स्टडी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं आप सभी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में, यानी कि इस बार आप सभी का एज लिमिट कितना रहेगा इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर में। फरवरी 2021 का बैच रहने वाला है, तो जान लेते हैं इस बैच में दोस्तों आप सभी का एज लिमिट कितना रहेगा। आपको हम जो ही बताएंगे दोस्तों एकदम एक्यूरेट बताएंगे। इस बार आप सभी का डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है इंडियन नेवी में, तो जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को हम साफ साफ कहें, इस बार आप सभी का 2001 से 2004 के बीच आप सभी की डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इसके बीच आप सभी की डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए में। आप सभी के यदि 2001 से 2004 के बीच डेट ऑफ बर्थ है तो इस बार आप मेरे भाई अप्लाई कर पाओगे इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर में। और जिनों का 2001 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है वो इस बार मेरे भाई अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप सभी को हम साफ साफ कह दें, इस बार आप सभी अप्लाई नहीं कर सकते। तो आप मेरे भाई निराश मत हुई, इस बार आप सभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। जिन्हों का 2001 से पहले का डेट ऑफ बर्थ है वो इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर में इस बार अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आप सभी को हमने बता दिया है। तो अब जान लेते हैं इस बार आप सभी का एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, करेक्ट जो बताने वाले हैं इस बार आप सभी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। और अब आपको बता दें डेट और मंथ, यानी कि आप सभी की एज लिमिट कितना रहने वाला है। वो रहने वाला है 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2004 के बीच इस बार आप सभी का एज लिमिट रहने वाला है इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर में। यानी कि आप सभी देख सकते हैं 1 फरवरी 2001 से 31 जनवरी 2004 के बीच आप सभी का डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो आप सभी देख लीजिए जिन जिन भाइयों का इसके बीच डेट ऑफ बर्थ है वो इस बार अप्लाई कर पाएंगे। मेरे भाई इस बार आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बार एसएसआर और डबल ए का डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है, ये आप सभी को डेट ऑफ बर्थ बताया है एकदम एक्यूरेट बताया है, इस बार रहेगा 100% आप सभी का डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है। जिन भाइयों का 2001 से पहले का है वो इस बार अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनों का 2004 के बाद का है तो आप सभी तैयारी करें और 12th पास करें तब आप सभी अप्लाई करना। दोस्तों आप सभी का अभी एज नहीं हुआ है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आप सभी की इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर की वैकेंसी के बारे में। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, पर आपको हम बता दें आप सभी की अगली वैकेंसी कब तक आएंगी। वो आएंगी मई में। जी हां, आप सभी की वैकेंसी मई में आएंगी इस बार। वो कब तक आएंगी, वो आएंगी सेकेंड वीक तक। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वीक तक आप सभी की अगली वैकेंसी आ जाएंगी। दोस्तों आप सभी को बता दें हम इस बार इंडियन नेवी ने वैकेंसी में थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले जो आप सभी की वैकेंसी आती थी वो आती थी जून में। जून में कब तक आती थी, जून की लास्ट वीक तक आप सभी की वैकेंसी आती थी, और एक आती थी आप सभी की दिसंबर में। दो बार वैकेंसी आती हैं दोस्तों इंडियन नेवी डबल ए और एसएसआर की, साल में दो बार वैकेंसी निकलती हैं, एक जून में आती हैं और एक आती हैं दिसंबर में। मगर दोस्तों पिछली साल से इंडियन नेवी ने दोस्तों इसमें चेंज कर दिया गया बहुत बड़ा। जो आप सभी की वैकेंसी दिसंबर में आती थी वो इस बार दोस्तों नवंबर में ही आप सभी की वैकेंसी आ गई हैं। इस बार दोस्तों एक महीने पहले आप सभी की वैकेंसी आ गई हैं, घोषित हो चुकी हैं। तो आप सभी को हम बता दें साफ साफ, इस बार आप सभी की वैकेंसी मई में आ जाएंगी। मई की सेकंड वीक तक आने के 100% चांस हैं, मई की सेकंड वीक तक आप सभी की वैकेंसी आ जाएंगी। इस वीडियो में हमने आप सभी को दोस्तों एक एक बारीकी से सब कुछ बता दिया है, आप सभी का डेट ऑफ बर्थ और आप सभी की अगली वैकेंसी कब तक आएंगी। यदि आप सभी का इंडियन नेवी में जाने का सपना है तो आप सभी का सपना दोस्तों साकार होगा। आप सभी हिम्मत न हारना, इस बार हमें दोस्तों इंडियन नेवी में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप सभी जी जान लगा दीजिए मेहनत में। तो मेहनत में दोस्तों कोई कमी ना होना चाहिए। आप सभी का दोस्तों सपना है इंडियन नेवी में जाना, तो इस बार पूरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो आप सभी, और वीडियो को शेयर कर देना आप सभी दोस्तों, प्लीज़ मित्रों को शेयर कर देना जो तैयारी कर रहे हैं इंडियन नेवी डबल ए और SSR की। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम नेवी से जुड़े अपडेट लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।